आपने प्लास्टिक मनी का नाम तो जरूर सुना होगा, जो आज के वक्त में बहुत ही ज्यादा माहौल में आ चुकी है। पर आखिर ये प्लास्टिक मनी होता क्या है, ये सवाल भी आपके मन में जरूर आया होगा। तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको प्लास्टिक मनी के बारे में सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्लास्टिक मनी की, तो ये कुछ और नहीं बल्कि आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा और मास्टर कार्ड जैसे तमाम कार्ड्स ही हैं। अब ये तो हो गई बेसिक बात, अब जरा डिटेल में देखते हैं। एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड आज पैसा निकालने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। पहले बैंकों में पैसा जमा करने के बाद हमें पैसा निकालने के लिए बैंक में ही जाना पड़ता था। पैसा निकालने के लिए बैंक में फॉर्म दिया जाता था, जिस पर हमें अपने अकाउंट डिटेल्स और कितना पैसा निकालना है लिखना होता था। इन सब में एक तो टाइम लगता था, साथ ही मेहनत, दिमाग और पेपर खर्च होता था। ऊपर से बैंक संडे के दिन तो बंद रहती ही है, साथ ही कभी दूसरी सरकारी छुट्टियों की वजह से भी बैंक बंद हो जाती है और हमें जरूरत के वक्त पर अपना पैसा नहीं मिल पाता था। इसी समस्या से निपटने के लिए किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो हमें हर वक्त 24 घंटे सातों दिन कहीं भी पैसा उपलब्ध करा सके, और इस समस्या का समाधान मिला एटीएम के रूप में। 1967 में इंग्लैंड में जॉन शेफर्ड बैरन ने एटीएम का आविष्कार किया। जॉन शेफर्ड बैरन भारत के ही मेघालय की राजधानी शिलोंग में पैदा हुए थे, जो बाद में जाकर इंग्लैंड में बस गए थे। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। अगर आपके पास एटीएम है तो पैसा निकालने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक के एटीएम से कहीं भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। और जहां एक बैंक को लगाने के लिए बड़ी बिल्डिंग और ज्यादा स्टाफ की जरूरत होती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, वहीं एटीएम को लगाने में सिर्फ एक दुकान और इस पर स्टाफ में एक कार्ड रखने की जरूरत होती है। मशीन लगाकर इसमें किसी भी स्टाफ की कोई जरूरत नहीं होती। एटीएम या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होते हैं। एटीएम कार्ड पर 16 अक्षर का एक नंबर लिखा रहता है और एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। एक साइड में 3 वर्ड का CVV भी लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। लेकिन इन चीजों से आपका कार्ड पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर एटीएम कार्ड कहीं गिर जाता है तो आपको पैसा निकालने के लिए कार्ड का पिन नंबर चाहिए होता है, जो कार्ड पर नहीं दिया होता है। उसकी जानकारी सिर्फ एटीएम कार्ड के मालिक को ही होती है, और अगर पिन नंबर ना डालें तो कोई भी एटीएम आपको पैसा नहीं देगा। अगर कोई फॉरगॉट पिन डालकर आपकी एटीएम का पिन बदलना भी चाहे तो उसके लिए OTP चाहिए होता है, जो सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में लिखे गए फोन नंबर पर ही आता है और 10 मिनट में एक्सपायर भी हो जाता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। पहले लोग लोन लेने के लिए अपने रिश्तेदारों या फिर ब्याज पर पैसा देने वालों से पैसा लिया करते थे, इसीलिए आपको अपनी प्रॉपर्टी के कागज या फिर गोल्ड जैसा कुछ न कुछ पैसा अदा करने तक के लिए पैसा देने वाले के पास गिरवी रखना होता था, और इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस परेशानी को दूर करने के लिए और पैसा जल्दी हासिल करने के लिए क्रेडिट कार्ड की तकनीक विकसित हुई। लेकिन बैंक क्रेडिट कार्ड सभी लोगों को नहीं देता। ये कार्ड सिर्फ उन लोगों को दिए जाते हैं जिन पर बैंकों को पूरा विश्वास होता है कि ये पैसा लौटा देंगे। लेकिन इसमें भी पैसा लेने की लिमिट होती है। शुरुआत में 25,000 का लोन दिया जाता है। इस पैसे को लौटाने के लिए बैंक आपको 30 या 40 दिन का टाइम देता है। इस टाइम से अगर आप ऊपर टाइम लगा देते हैं तो आपको इसकी पेनल्टी देनी होती है। लेकिन अगर आप इसे टाइम पर पे करते हैं तो लिमिट 25,000 से बढ़ाकर 50,000 फिर 3,00,000 करती जाती है, और 24 घंटे किसी भी टाइम आप कहीं से भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं या बिल पे कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने पर भारी पेनल्टी पड़ती है। जहाँ क्रेडिट कार्ड के कुछ फायदे हैं, वहाँ कुछ नुकसान भी हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कंपनी आपको रिफंड ऑफर देती है, जबकि डेबिट कार्ड पर आपको कोई ऑफर नहीं मिलता। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर आपको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट भी दिए जाते हैं, और इन पॉइंट्स से आपको कुछ भी खरीदने का कंपनियां मौका देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट्स आते कहां से। जब आप क्रेडिट कार्ड से कहीं पेमेंट करते हैं तो आपके बिल में कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, और यही पॉइंट्स धीरे धीरे आपके जमा होते रहते हैं। डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड से किसी गाड़ी की बुकिंग करने पर या एयर टिकट बुकिंग करने पर भी आपको ज्यादा फायदा होता है। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनकी सिर्फ कंपनियां क्रेडिट कार्ड से ही मांगती हैं। क्रेडिट कार्ड से कुछ नुकसान भी होते हैं। दरअसल क्रेडिट कार्ड आपकी आदत बिगाड़ने वाला कार्ड है। क्रेडिट कार्ड आपका जमा पैसा नहीं होता, ये आपको बैंक से लोन मिलता है, और ये आपको पैसा नहीं बल्कि शॉपिंग करने की अनुमति देता है, जिससे आप शॉपिंग करने जाते हैं तो ना चाहते हुए भी ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, जिसका आगे आपको पेमेंट करना होता है। अब हम आपको वीजा, रुपए और मास्टर कार्ड के बारे में बताते हैं। आपने एटीएम कार्ड्स पर अलग अलग बैंकों के नाम लिखे देखे होंगे, जैसे यूनियन बैंक, SBI बैंक वगैरह वगैरह। साथ ही इन कार्डों पर वीजा, रुपए और मास्टर कार्ड भी लिखा हुआ आपने देखा होगा। आज इन कार्डों का मार्केट में बहुत ही ट्रेंड बना हुआ है। इन कार्ड्स में 50% मार्केट वीजा के पास है, 30% मार्केट मास्टर कार्ड के पास है, और 20% रुपए के पास है। पर आखिर ये तीनों कार्ड हैं क्या?
शुरुआत में जब एटीएम कार्ड चले तो वो कार्ड जिस बैंक के होते थे उसी बैंक के एटीएम से पैसे निकलते थे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती चली गई और लोगों को इस सिस्टम से 24 घंटे पैसा उपलब्ध कराने में बैंक नाकाम साबित होने लगे। इस परेशानी को दूर करने के लिए बैंकिंग ने कार्ड नेटवर्क की तकनीक विकसित की, जिसके अंडर में मास्टर कार्ड, वीजा और रुपए कार्ड तीनों आते हैं। बैंक आपको कार्ड नेटवर्क के साथ जोड़कर एटीएम से जोड़ देता है, जिसके अंतर्गत आपको वीजा, रुपए या मास्टर कार्ड तीनों में से एक नेटवर्क कार्ड दे देता है। अब आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आप नेटवर्क से जुड़े हैं, इसके जरिए आप किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी बैंकिंग डिटेल कार्ड नेटवर्क से भी जुड़ी है, ना कि किसी दूसरे बैंक से। आपका डेटा सुरक्षित है और आपको टाइम पर पैसा भी मिल जाता है। हमारा डेटा कार्ड नेटवर्क के पास मौजूद रहता है। जिस एटीएम से हम पैसा निकालने जाते हैं वो हमारी जानकारी कार्ड नेटवर्क से ले लेता है कि हमारे अकाउंट में पैसा है या नहीं। कार्ड नेटवर्क एटीएम को हमारी जानकारी देकर पैसा निकालने की अनुमति देता है और हम पैसा आसानी से निकाल लेते हैं। कार्ड नेटवर्क ही हमें एटीएम, ओटीपी और दूसरी बैंकिंग सुविधाएं भी देता है, जिसके बदले वो हमारे बैंक से चार्ज लेता है और हमारी बैंक हमारे अकाउंट से ही पैसा काटकर कार्ड नेटवर्क को देती है। उम्मीद है अब आपको प्लास्टिक मनी के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।